खंडवा लोकसभा उपचुनाव में दावेदारी करने वालों का भाजपा कार्यालय में तांता लगा हुआ है। पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह चौहान भी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने खंडवा लोकसभा के चारों जिलों के पदाधिकारी और दावेदारों की बैठक भी बुलाई। जल्द ही निर्णय होगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने को लेकर हर्ष चौहान का कहना है कि अभी कुछ नहीं कह सकते, सभी अभी सिर्फ बैठक के लिए आए हैं। और हर्ष चौहान से भी बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता अंकुर अथवारी ने। खंडवा लोकसभा सीट में उपचुनाव है। नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद अब उनके बेटे जो हर्ष सिंह चौहान है वह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उनसे जानते हैं सर आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? अभी आज तो हमको प्रदेश कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया, तो बैठक के लिए आए हैं बस साधारण रूप में। लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या तैयारी है? मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता आपसे जब तक के पार्टी का निर्णय नहीं होता। अभी तो मैंने आपसे जैसे ही कहा कि बैठक के लिए बुलाया है और बैठक के लिए आए हैं, सभी आए हैं। बुरहानपुर से सब लोग आए हैं, खंडवा से सब लोग आए हैं, देवास से सब लोग आए हैं, खरगोन से सब, मतलब चारों जिलों से लोग आए हैं जिनको जो अपेक्षित हैं सभी पदाधिकारी। और तो बस अभी तो बैठक के लिए आए हैं बस। सारे दावेदार हैं, किस मारी मोगे हों, चाहे अर्चना जिसने सो आप भी हैं और भी लोग, कल खंडवा के लोग भी आए थे। नहीं बस धन्यवाद। अच्छा अगर आपको पार्टी टिकट देगी तो क्या निर्णय होगा, बस उतना बता दें। मैंने आपसे कहा ना मैं आज बैठक के लिए आया हूँ। बिल्कुल कुछ भी अभी कहने से बसते नजर आ रहा है हर्ष सिंह चौहान है। इनका कहना है कि आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने जिले हैं वहाँ के पदाधिकारियों को बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया है, बाकी वो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इन सब चीजों के जवाब देने से बस्ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरी है।